साफ आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर आज के इस वीडियो में रोज प्लांट की किस प्रकार से केयर करनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि रोज प्लांट की मिट्टी किस प्रकार से होनी चाहिए इसके लिए सनलाइट की क्या रिक्वायरमेंट हैं इसमें कौन से पेस्ट इंसेक्ट देखे जाते हैं ऐसे और कौन कौन सी ज़रूरी काम जो आपको रोज के प्लांट पर करने चाहिए और जानने की आवश्यकता है और किस तरह के फर्टिलाइज़र पसंद करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी जानकारी मिल सके तो फ्रेंड्स अगर रोज प्लांट की बात करें तो रोज़ प्लांट एक ऊडी पेरिनियल्स काटेदार फ्लावरिंग प्लांटों की गिनती में आते हैं जिसके फ्लावर आपको कई कलरों में नर्सरी पर देखने को मिलेंगे इसमें इंग्लिश रोज देसी रोज़ ऐसे और कई ऐसे वैरायटी भी पाए जाते हैं यानी कि रोज प्लांट में विभिन्न वैरायटी भी पाए जाते हैं और विभिन्न कलरों में ये नज़र आते हैं तो ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये देसी रोज़ की वैरायटी है जिसमें फूल जितने जल्दी खिलते हैं उतने ही जल्दी इसके फूल गिरते भी हैं अगर इसके फूलों और पतियों के बारे में जाने, तो डोमेस्टिक और नविटल कॉमर्शियल रूप में भी उतना ही महत्व है इसके फूलों और पतियों का फूलों से इसके गुलाब जल इत्र बनाए जाते हैं और कई चीज़ें ऐसे और भी बनाए जाते हैं गुलाब के पौधे और फूलों से यानी कि इसके फूलों और पतियों का औषधियों रूपों में बहुत ही महत्वपूर्ण है अब हम बात करते हैं कि इसमें जो वैरायटी पाए जाते हैं ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये देसी रोज़ के प्लांट हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि देसी रोज़ के प्लांट है कि इंग्लिश रोज के प्लांट है या फिर बटन रोज के प्लांट हैं तो आपको एक दो इम्पोर्टेंट पहचान मैं देसी रोज़ के बता रही हूँ सबसे पहला आप इसके फूलों के माध्यम से जान सकते हैं कि ये प्लांट देसी रोज़ के हैं तो इसके फूल आप देखेगा तो इसके अंतर और स्टिग्मा आपको स्पष्ट नज़र आएंगे और इसमें आपको या तो थ्री लिप्स पाए जाएंगे या तो फाइव लिप्स के पाए जाते हैं यानी कि पत्ते थ्री लिप्स के होंगे और फाइव लिप्स के होंगे यानी कि पत्ते और फूलों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि ये प्लांट देसी रोज के हैं इसके विपरीत इंग्लिश रोज में एंथर और रिश्तिग्वा नज़र नहीं आते हैं ऐसे और भी कई पहचान हैं जिसके माध्यम से देसी रोज़ और इंग्लिश रोज को पहचान सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर मेरे एक वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बनी हुई है कि देसी रोज की क्या पहचान है और इंग्लिश रोज इंग्लिश रोज़ की क्या पहचान है तो आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी <laughs> तो सबसे सब पहले हम बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में इसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए तो ये थोड़े से वाली युक्त चिकनी मिट्टी पसंद करते हैं या फिर आप कह सकते हैं जैसे सिक्सटी परसेंट के करीब आप सॉइल ले सकते हैं उसमें बीस परसेंट के करीब साइड मिला सकते हैं या फिर ट्वेंटी परसेंट के करीब खाद मिलाकर इन देसी रोज़ या फिर रोज़ प्लांट को आप लगा सकते हैं किसी भी रोज़ प्लांट को और इसके साथ ही साथ ये थोड़े से एसिटिक सॉयल को पसंद करते हैं यानी कि थोड़े से एसीटिक गुण भी रोज़ प्लांट को चाहिए तो इसके मिट्टी में आप आ, आ, आप क्या कर सकते हैं थोड़े से संतरे के छिलके का पाउडर या लेमन के छिलके का पाउडर भी आप मिक्स करके इन प्लांटों को लगा सकते हैं और इसके बाद अगर गमले की बात करें तो फ्रेंड्स ये थोड़े से लंबाई में बढ़ते हैं अगर इसे ज़मीन में लगा दें तो इसकी लंबाई गुड़हल से भी ज़्यादा ऊँचे चले जाते हैं और उसमें आपको ज़मीन में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी देखे जाएंगे तो आप ज़मीन में भी अगर आपके पास ज़मीन जगह है तो जगह जगह में लगाए ज़मीन में लगाइए या फिर इसे लगाने के लिए गमले की साइज़ की बात करें तो थोड़े से बड़े गमले आप सेलेक्ट करें मैं जो लगा रखी थी ये चौदह इंच के गमले हैं और इसी में मेरे प्लांट लगे रहते हैं सालों भर लेकिन आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो वैसे स्थान पर रखें जहाँ पर इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो यानी कि इस पर मॉर्निंग की सनलाइट ही काफ़ी है उस स्थान में इस प्लांट को लगाएं क्योंकि गमले तो इधर उधर हम हटा लेते हैं ज़्यादा तेज़ गर्मी के कारण लेकिन ज़मीन में लगे हुए प्लांटों को मैं हटा नहीं पाते तो आप कोशिश करें वैसे लोकेशन में रखें जहाँ पर थोड़े से आपको पाँच से छः आवर की सनलाइट इस प्लांट पर मिले यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग की धूप भी अगर इस प्लांट को मिल जाए तो ये अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं अब हम इसके प्रोपिगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसका सबसे अच्छा वेस्ट सीजन है प्रोपिगेशन का रेनी सीजन आप कटिंग से इसे, इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं अगर आप रेनी सीज़न में इसके कटिंग लगाते हैं तो आपके कटिंग जल्दी और फास्ट भी लगते हैं तो रेनी सीजन में ही इसकी कटिंग लगाएं और एक प्लांट से कई प्लांट उस समय बना सकते हैं अब हम इसके पेस्ट इंसेक्ट की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आपको पेस्ट इंसेक्ट ओवर वाटरिंग के कारण आपको फंगस प्रॉब्लम दिखे जाएंगे तो इस प्लांट में ओवर वाटरिंग से बचनी है और उसके अलावा इसमें स्पाइडर माइट्स ब्लैक स्पॉट जो अक्सर पत्तों पर देखे जाते हैं इसके अलावा वाइट स्पॉट, कैंकर डाइवक की समस्या ऐसे बहुत सारे डिजीज़ इस पर देखे जाते हैं अगर इसमें एक डिजीज़ के बारे में बात करें जो कैंकर जो अक्सर ह्यूमिडिटी और ज़्यादा ठंड के कारण पनपते हैं तो इस समय ठंड में एक कैंकर की समस्या भी देखी जाती है तो इस टीम पर होने वाले एक रोग में से एक है तो इस समय आप कोशिश करें अपने गुलाब के जितने भी पौधे हैं ज़्यादा ठंड के वजह से खराब हो रहे हैं तो उसे उसे आप थोड़े से मल्चिंग करके रखें और जो भी ब्रांच खराब हो रहे हैं उन ब्रांचों को कट करते रहें यानी कि गुलाब के पौधे के लिए प्रूनिंग भी उतना ही आवश्यक है ताकि आपके प्लांट पेस्ट इंसेक्ट फ्री रहे यानी कि समय समय पर इसकी प्रूनिंग भी ज़रूरी है ताकि आप पेस्ट इंसेक्ट भी फ्री रखें और उसमें नए नए ब्रांच और सूट्स भी निकल सके तो आने वाले वीडियो में एक वीडियो में लाऊंगी कि गुलाब में कौन कौन से डिजीज़ देखे जाते हैं और उसका कुछ निदान भी बताऊंगी। अब लास्ट में इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें आप काउ डंग चाय पत्ती सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और इसके अलावा रोज फूड जो मार्केट में आपको अवेलेबल है कुछ जैविक चीज़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं जैविक खाद को मिलाकर तो उस रोज फूड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ के लिए तो फ्रेंड्स ये कुछ केयर टिप्स थे रोज प्लांट के बारे में अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए धन्यवाद